हमासान.com के खास न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि 28 दिन बाद ही सही 5 मंत्रियों के साथ शिवराज सरकार की मिनी टीम तैयार हो गई है। इस छोटी टीम में बड़ी सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंत्री बनाने की आस लगाए बैठे कई विधायक वेटिंग में हैं, लेकिन जो टीम बनी है उसमें ना तो किसी गुट विशेष के नेता को महत्व दिया गया है और न किसी की पसंद या नापसंद को तरजीह दी गई है। यहाँ शिवराज ने हर वर्ग को साधने और जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की है। छोटे मंत्रिमंडल को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। एक और कहा जा रहा है कि छोटा मंत्रिमंडल इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें सभी को जगह नहीं दी जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर कहा गया है कि 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव सहित भूपेंद्र सिंह, गौरी शंकर, बिसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ला और रामपाल सिंह जैसे नेताओं को दूर रखना ठीक नहीं। कांग्रेस से बीजेपी में आए बिहासूलाल सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी को भी वेटिंग में रखा गया है। अनुभव की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा और तुलसी सिलावट को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर कहा जा रहा है कि ये दोनों स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कमल पटेल एवं गोविंद सिंह राजपूत भी इससे पूर्व प्रमुख विभागों में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में कोरोना संकट की इस घड़ी में शिवराज को इनके अनुभवों का लाभ मिल सकता है। वहीं वरिष्ठता के आधार पर कई नेता शिवराज कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए। नेता प्रतिपक्ष रहे विधायक गोपाल भार्गव, उमा भारती की सरकार से लेकर बाबूलाल और शिवराज सिंह चौहान की सभी सरकारों के मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। गौरी शंकर बिसेन लोकसभा सदस्य से लेकर कई बार विधायक चुने जा चुके हैं। शिवराज की पिछली सरकार में गृह और परिवहन जैसे भारी भरकम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले भूपेंद्र सिंह का भी नाम वेटिंग में है। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोदा राजे सिंधिया 4 बार की विधायक हैं और शिवराज की पिछली सरकार में भी मंत्री रही हैं। कुंवर विजय शाह और राजेंद्र शुक्ला का नाम भी मंत्री बनने की रेस में शामिल है। शुक्ला उमा भारती की सरकार से लेकर अभी तक बीजेपी की सभी सरकारों में मंत्री रहे, लेकिन इस बार उन्हें भी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। शिवराज सिंह चौहान के करीबी रामपाल सिंह को भी फिलहाल कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.